किसने देखी थी? शोले में याद है असलानी का रोल? याद है? याद है, जेलर था। और जब उससे पूछो अंग्रेजों के जमाने में, मैं अंग्रेजों का जमाने का जेलर हूँ, उसी तरह ये भी अटक गए हैं, अटक गए हैं। पिछली सदी में हर चीज पर नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे किया, इंदिरा गांधी ने वैसे किया, राजीव गांधी ने ऐसे किया। अरे आपकी काम की बात करें, ये बताएं कि नरेंद्र मोदी जी ने 5 सालों में क्या किया? प्रचार करने के अलावा क्या किया? आपको मालूम है 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है 5 सालों में। मोदी जी ने 5 मिनट का समय नहीं निकाला, इन 56 इंच का सीना तान के उनको 5 मिनट की, 5 सेकंड की हिम्मत नहीं हुई कि हिंदुस्तान के किसान, के दुखी किसान के सामने आकर उनकी बात सुन ले। जबकि उनको मालूम है, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने कुछ नहीं किया इस देश के लिए। उनको मालूम है कि बड़ी बड़ी बातें की, बस अपने आप को राष्ट्रवाद कहते हैं। आपसे आपने प्रदर्शन किए कि नहीं किए अपने पेंशन के लिए? किए ना? जवाब आपको किस चीज से मिला? लाठियां ने पड़ी कि नहीं पड़ी? मैं शिक्षा मित्रों से मिली हूँ, महिलाएं हैं, जाकर धरना किया लखनऊ में, लाठी से मारा गया, जेल में डाला गया, उनको कहा गया कि आप देशद्रोही हो। इतने बड़े राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री और इतनी राष्ट्रवादी सरकार की जब अध्यापिका अपना हक मांगने के लिए प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि उसको मांगने नहीं मिला है तो उसको देशद्रोही बना दिए, कैसा राष्ट्रवाद है? कैसा राष्ट्रवाद है जो आपके खेतों को सुरक्षित नहीं रख सकता? जब आवारा पशु आपके खेतों को चल रहा है पूरी रात, तो कौन सा भाजपा का चौकीदार आके बचा रहा है आपके खेत? तो बात ये है बहनों और भाइयों, आपके सामने खड़े होकर उनकी सीधी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर उधर की बातें करनी है तो भाजपा नेता आए वो करे आपके सामने, हम तो आपसे सीधी बात करेंगे। सच्चाई क्या है? आप जी रहे हो सच्चाई से। आपको लगता होगा बड़े बड़े इश्तिहारों में दिखता होगा कि बहुत विकास हुआ है देश में, हो सकता है अभी तक कुशीनगर नहीं पहुंचा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ जहाँ जाती हूँ मुझे विकास नहीं दिखता, पीड़ा दिखती है। गन्ने की पर्ची भी नहीं मिलती, आपका बकाया नहीं मिला, शुगर मिल वालों को पैसे दे दिए लेकिन आपको बकाया नहीं दिया, आपके यहाँ शुगर मिल भी बंद हो गए। तो जहां जहां देखती हूँ मुझे पीड़ा दिखती है। आज हर चौराहे पे, हर बाजार में जब मैं जाती हूँ, वैसे नौजवान मिलता है, मुझे बताता है दीदी रोजगार नहीं है। नौजवान पीड़ित है, किसान पीड़ित है, महिलाएं पीड़ित हैं। मैं तो अमेठी में गांव गई थी तो कुछ महिलाओं ने मुझे रोका, कहा कि दीदी हमें पूरे दिन इस धूप में, इस कड़ी धूप में हम बैठते हैं अपने खेतों में, रात को पुरुष बैठते हैं, दिन में हम बैठते हैं, क्योंकि आवारा पशु चल गए हमारा खेत। तो स्थिति ये है,